बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदर प्रसाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की जीत न्याय की गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटियों से बदलेंगे देश की तस्वीर। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना कराएगी, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा, कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी, आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होगा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। सभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है। और मेरे जैसा आदमी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैं संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता के बीच याचना कर रहा हूं, अपनी विनती कर रहा हूं। और ये चौथी बार लोकसभा के चुनाव में संसदीय क्षेत्र बांसगांव में मैं आया हूं और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, जब लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दे के लिए हर साल में बजट सत्र आते हैं, बजट जितनी भी योजनाएं देश के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं बजट सत्र में रखी जाती हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी देश के कल्याण के लिए बजट का प्रोविजन होगा 543 सदस्यों में अगर जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे चुनाव जिता करके इस देश की संसद में पहुंचाया, तो आपके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं 1/543 जो बजट का मन हिस्सा बनता है लोकसभा क्षेत्र बांसगांव सुरक्षित के लिए पार्लियामेंट में संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज़ बुलंद करके रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली सड़क इन सारी योजनाओं को